कर्नाटक के सियासी जंग जीतने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और लगातार कांग्रेस पर हमला बोल रहे हैं। कभी वो सूबे के सत्तारूढ़ दल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं तो कभी तुष्टीकरण करने की बात कहकर कांग्रेस को घेरते हैं। पीएम के इन्हीं वारों पर पलटवार कर अब सीएम सिद्धरमैया ने कहा कि पीएम मोदी चाहे जितना भी झूठ बोल ले, लेकिन जनता को गुमराह नहीं कर सकते। सीएम सिद्धरमैया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बीजेपी और पीएम मोदी सूबे में झूठ फैला रहे हैं, हमारे खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बीजेपी कुछ भी कर ले, जनता का उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि कर्नाटक की जनता राजनीतिक रूप से परिपक्व है, कोई उसे नहीं बरगला सकता। उन्होंने कहा कि पीएम ने पिछले 4 सालों में क्या क्या किया ये देश की जनता जानती है और यही वजह है कि आज उनका जादू कम हो रहा है। मोदी सरकार ने देश का बंटा धार कर दिया, आज गरीब हाशिए पर पहुंच गए हैं, किसानों का बुरा हाल है, दलितों और अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं, यहां तक कि नोटबंदी और जीएसटी की वजह से व्यापारी सड़क पर आ गए हैं, लेकिन मोदी सरकार हमें कमीशन की सरकार कहती है। उन्होंने पूछा कि देश के पीएम के पास क्या सबूत है कि हमने भ्रष्टाचार किया। सीएम ने कहा कि हम भी बोल सकते हैं कि पीएम भ्रष्ट हैं, लेकिन हम किसी पर गलत आरोप नहीं लगाते क्योंकि हमें पता है कि हमारे लिए ये साबित करना मुश्किल होगा। पीएम को घेरने के साथ साथ सिद्धरमैया ने सूबे में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया। उन्होंने कहा कि इस बार भी कांग्रेस का पंजा मजबूत होगा, हमने जनता के लिए काम किया है, हम विकास के सहारे चुनाव में उतरे हैं, जातिगत राजनीति के सहारे नहीं। दिव्य लाइव की रिपोर्ट।